आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 28 सितंबर की प्री मार्केट रिपोर्ट के लिए। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या हालचाल था, उसके पीछे के रीजन क्या थे, एफआईआरडीआई ने क्या बाय सेल किया हुआ है, सेक्टोरल आउटकम समझेंगे, टॉपर्स और लूजर्स को जानेंगे, वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस करेंगे, उसके पीछे के रीजन देखेंगे, इंडियन एडीआर के बारे में डिस्कशन होगा, ऑयल और गिफ्ट निफ्टी का डिस्कशन करने के बाद फाइनली कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, आज की कुछ इंपोर्टेंट इवेंट है उसको समझेंगे और फाइनली टेक्निकल एनालिसिस के साथ इसे पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। तो ज्यादा बातें ना करते हो, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हमने कल ही बताया था कि जब उनको सेल ऑफ मारना होता है तो पहले बहुत प्री मार्केट में बड़े बड़े नंबर दिखाते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर देखने के बाद सारे रिटेलर्स ने बाय करने का सोचा, धनाधन धनाधन मार दिया। इसके पीछे के रीजन देखते हैं। देखो, आईटी सेक्टर हमारे पास बहुत जबरदस्त गिरे हुए थे, दो मेन सेक्टर की वजह से हमारे पास निफ्टी पूरा गिरा हुआ था। पहला आईटी 2.25% जितना डाउन था, दूसरा था हमारे पास एफएमसीजी में भी एशियन पेंट की बात करो तो वो ऑलमोस्ट 4% जितना डाउन था। ये डाउन होने के रीजन समझो, हमारे पास एसेंचर करके यूएसए के अंदर एक हमारे पास आईटी की बड़ी फर्म है, उसने अपना जो जीडी Q4 रिजल्ट आया था वो बहुत ही बकवास दिया। रेवेन्यू उनका बड़ा था वो तो ठीक है, लेकिन उनका जो आउटकम था कि फ्यूचर की बात कर रहे थे तो वहां पे उन्होंने टोटली नेगेटिव बातें की कि हम देख नहीं पा रहे कि अभी हमारा ग्रोथ कब होगा, कैसे होगा, वैसे करके। तो वो खुद तो गिरा, पूरे आईटी सेक्टर को गिराया और आज भी आईटी सेक्टर के अंदर हमको थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी वैसे ही था, हमारे पास सेल ऑफ, फिर शार्प बाइंग। यहाँ पे पूरे रिटेलर्स जो 10:15 बजे बाइंग की ओर बैठे थे उनको पूरे दिन थका थका करके निकाल दिया। मतलब इनफैक्ट मेरा भी यहाँ पे लॉस ही हुआ था, मैंने इस कैंडल में बाइंग किया था ब्रेकआउट को देख करके, लेकिन पूरा प्राइस एक्शन उल्टा हो गया इसी कैंडल में, निकलने का चांस तक नहीं दिया। मैंने फिर यहाँ पे जाकर के निकाला, डे लो जैसे ब्रेक हुआ मैंने फिर लॉस बुक कर लिया। एनीवे, एफआईडीए का डेटा देखो, हमारे पास डीआईएनए बाय करके गए हुए थे 2700 करोड़ का, जबकि एफआईआई वो सेल मार के गए हुए हैं 3300 करोड़ के। तो जब तक ये नंबर ग्रीन में नहीं आता एफआईआई का, हम नहीं सोच सकते कि मार्केट ऊपर चला जाएगा। और कितना गिरेगा, बहुत गिर सकता है, उसका छोड़ ही दो। एनीवे, अगेन देखो, रिटेलर्स फिर से भर भर के कॉल बाय करके गए हैं और पुट को सेल मार के गए हुए हैं, मतलब बुलिश पोजिशन है रिटेलर्स की। बब्बर सर है हमारे, बब्बर सर किसी से डरते ही नहीं है, जबकि FII, DII, Pro सब कुछ सेल में है। एक अच्छी बात यह है कि FII ने अपने कॉल है वो इंक्रीज किए हुए हैं। कल ये नंबर 1 लाख जितना ही था, आज है 1,66,000 जितना। तो यहाँ पे बाइंग हुई है तो आज जितना गिरा हुआ है उतना ही गिरेगा, ऐसा सोच के मत चलना। सेक्टोरल आउटकम देखो, 42 स्टॉक डाउन थे, सिर्फ 8 स्टॉक अप थे, उसमें भी वीक्स अकेला हमको अप देखने को मिल रहा है, बाकी सब कुछ डाउन था। यस, L&T, भारतीय एयरटेल, ONGC इन सब में बाइंग थी, जबकि सेल ऑफ मारा था टेक महिंद्रा, एशियन पेंट, LTIM, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सब जगह पे सेल ही सेल था। यूरोप अच्छा खासा ग्रीन था, फिर भी हमारा मार्केट दोपहर को रिकवर नहीं किया। डाउ जोन्स और S&P देखो आज फ्लैट से बंद हुए हैं, लेकिन ब्राजील में बाइंग है। अगर ब्राजील में बाइंग है तो हमारे पास बाइंग होने के चांस है। वर्ल्ड मार्केट देखो, आज ऑस्ट्रेलिया ऊपर खुला हुआ है, जापान हमारे पास ऊपर है, चाइना को और कोरियन मार्केट को छोड़ देना क्योंकि वहां पे आज छुट्टी है। एनीवे, यूएस मार्केट अच्छे खासे ग्रीन बंद हुए हैं। यूएस का 2 डेटा आने वाला था, GDP 2.1 जितना आया हुआ है, एक्सपेक्टेड था, तो वहां पे मार्केट ने कुछ अच्छा रिएक्शन नहीं दिखाया। अगर अच्छा आ जाता 2.5% 3% तो हमको जबरदस्त मार्केट भागने को मिलते। यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा भी आ रहा था, वो 204 जितना आया, फोरकास्ट था 215, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे कम हुआ है। इंडियन एडीआरएस देखो, 0.3% इन्फोसिस डाउन, विप्रो 2% डाउन, जबकि बैंक के अंदर बाइंग है तो आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा अच्छा कर सकती है, लेकिन निफ्टी 50 डाउन जाएगी। डाउ फ्यूचर्स अभी के लिए देख लेना आप, ऑयल में थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। गिफ्ट निफ्टी 30 पॉइंट जितना गैप अप दिखा रहा है, ये 77 नहीं है, 30 समझना है यहाँ पे। यस, अभी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज समझ लेते हैं। रिलायंस हमारे पास कल जबरदस्त गिरा था, लेकिन जेफरी ने उसका टारगेट है वो इंक्रीज किया हुआ है। उन्होंने बताया कि जियो फाइबर के चलते वहां पे अच्छा खासा रेवेन्यू इंक्रीज होने वाला है, तो उन्होंने रिलायंस को बाय की कैटेगरी में डाला हुआ है। दूसरी एक हमारे पास अच्छी न्यूज आ रही है आईटी के लिए, मॉर्गन स्टेनली को लेकर के। मॉर्गन स्टेनली ने कुछ स्टॉक के लिए बताया हुआ है कि ये आईटी सेक्टर में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन
इस न्यूज को एसेंचर वाली न्यूज ने सरपास कर दिया। तो हम जाएंगे डेटा के साथ ही, इंडियन एडीआरएस में तो नेगेटिविटी दिखा रही है। अच्छा, सोल्ट और लॉन्ग कहाँ पे बिल्डअप हुआ है? एशियन पेंट, बीएचईएल, कोटक महिंद्रा, यहाँ सब जगह पे सोल्ट हुआ है। लॉन्ग बिल्डअप हुआ है मन्नापुरम फाइनेंस, एमसीएक्स इंडिया, एक्सिस बैंक, उन सब जगह पे। आज के इवेंट समझ लो, चाइना और कोरियन मार्केट, यहाँ पे आज हॉलीडे है तो नहीं देखने को मिलेंगे। अर्ली मॉर्निंग में जापान का सेप्टेम्बर इन्फ्लेशन आएगा, तो जापान का मार्केट ट्रैक कर रहा। 11:30 बजे देखना कि हमारे पास यूके का जीडीपी और हाउसिंग इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, जबकि जर्मनी का रिटेल सेल्स डेटा आएगा। तो उसके बाद यूरोपियन मार्केट को ट्रैक करना। 12 से 2 बजे के बाद हमारे पास फ्रांस का इन्फ्लेशन आएगा। मतलब आज यूरोप मार्केट को देखना होगा, यूरोप मार्केट और डाउ फ्यूचर्स कैसे चेंजेस कर रहे हैं वो हमको देखना होगा। फाइनली हमारा मार्केट खत्म होने के बाद यूएसए का पीसी इन्फ्लेशन आएगा अगस्त के लिए, इसी के ऊपर से इन्फ्लेशन डेटा डिसाइड होता है, तो इसको भूलना नहीं चाहिए। और टेक्निकल एनालिसिस हमने कल लास्ट के वीडियो में किया था पोस्ट मार्केट में, तो आज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फाइन, थैंक यू सो मच फॉर लाइक्स एंड सब्सक्राइब, थैंक्स अ लॉट।